जीवन पारदर्शी प्रमाणिकता से भरा रहा। उनकी कर्मठता, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी ईमानदारी हम सबको प्रेरणा देती है। वो मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, अलग अलग पदों पर रहे, सांसद लोकसभा के रहे, राज्यसभा के रहे, एक ही के से विधायक रहे, हम सबके लिए उनका जीवन, हर जनप्रतिनिधि के लिए उनकी कार्य प्रणाली आज प्रेरणा का स्रोत है। और मुझे ऐसे कार्यकर्ता को तो ये लग रहा है, ऐसे दिन में ही अंधकार हो गया, अब कौन हमें राह दिखाएगा, कौन हमें मार्ग बताएगा, ये सवाल मन में उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। जोशी जी जैसे व्यक्ति युगों में पैदा होते हैं, उनके चरणों में सुविधा के सुमन पार्क थे ही, और प्रार्थना भी यही है कि जोशी जी हो सके तो फिर लौट के आने। हम सबके माध्यम नहीं हो, इस कारण से पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार और पूरे प्रदेश दुख का वातावरण है। श्री जोशी जी सार्वजनिक जीवन के आदर्श कार्यकर्ता थे, आदर्श नेता थे और आदर्श प्रशासक के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निर्वाह किया। वे अपने सार्वजनिक जीवन में शासकीय, गैर शासकीय और पार्टी के अनेक पदों पर रहकर काम किया और मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं को इस भूमिका में लाने में जोशी जी जैसे नेता का बहुत बड़ा योगदान है। आज वो हम सबके मध्य नहीं हैं, निश्चित रूप से उनकी रिक्तता हम लोगों को खल रही है। जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी बड़ी खूबी थी कि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को बहुत ईमानदारी से किया। वो जैसा अंदर थे वैसा ही बाहर दिखते थे, सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे और उन्होंने जो नैतिक जीवन जिया वह सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा उदाहरण है। आज वो हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनकी
जीवन पद्धति, उनका प्रेरणादायक जीवन हम सबका मार्गदर्शन हमेशा करता रहेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें, और ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वह शक्ति और बुद्धि प्रदान करें जिससे हम सब मिलकर माननीय कैलाश जोशी जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने विचार को भी आगे बढ़ा सकें, दल को भी मजबूत कर सकें और सार्वजनिक जीवन में रहकर जनता की सेवा और विकास के लिए भी काम कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय जोशी जी के चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित।